दुनिया के कई बड़े बड़े देश वर्ल्ड वार टू में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए थे, लेकिन उसके बाद न सिर्फ उन्होंने अपने आप को खड़ा किया बल्कि आज वो डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में गिने जाते हैं। हमें जहां पहुंचना चाहिए था हम वहां से काफी पीछे रह गए। उसका एक बड़ा कारण यह है कि उन्होंने ब्रेन गेन किया है और हमने अपना ब्रेन ड्रेन होने दिया है। तो किसी भी देश को करेंसी कैपिटल नहीं चलाती, नॉलेज कैपिटल चलाती है, और यहां इस चीज को समझने में हमने चूक कर दी। तो हमारा इतना ब्रेन ड्रेन हुआ है पिछले 60-70 सालों में कि उसके बाद भी अगर हम आज यहां खड़े हैं तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। और इसका श्रेय केवल उन लोगों को जाता है जिन्होंने पूरी निस्वार्थ भाव से सेल्फलेसली हमारे देश के लिए काम किया, जैसे अब्दुल कलाम साहब जैसे लोग जो कहा करते थे कि आई एम कम्प्लीटली इंडिजिनस, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, आई स्टडीड इन इंडिया, आई वर्क्ड इन इंडिया। ऐसे बहुत थोड़े से लोग हुए जिनकी सेल्फलेस सर्विस के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन हमें जहाँ पहुँचना चाहिए था हम वहाँ से पीछे रह गए हैं और हमने नॉलेज कैपिटल की वैल्यू को समझा नहीं। तो ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते थे? हम एक चीज़ ये कर सकते थे कि दुनिया की सभी बड़ी कंट्रीज में कुछ क्लॉजेज हैं, कुछ उनके कुछ नियम हैं कि अगर आप वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करके आप पढ़ाई करते हैं, वहाँ से आप पढ़ाई करते हैं उनके देशों में, तो आपको उसके एवज में आपको कुछ साल वहाँ पे सर्व करने हैं, वहाँ की इकोनॉमी में आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, और नहीं तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। आप बॉन्ड भरिए, देन यू आर फ्री टू गो। हमने इस तरह के कोई लॉज लगाए नहीं अपनी व्यवस्था में। तो आज जैसे आप देखें कि यूके ने एक HPI वीज़ा की घोषणा की है जो मई 30 से लागू होगा, हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स। ये भी एक वैसा ही प्रयोग है, वो चाहते हैं कि दुनिया भर के सभी जो टॉप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो आए और अपनी सेवाएं वहाँ दें और यूके के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। ये उनकी सोच बिल्कुल सही है अपने हिसाब से, हमने इस तरह के कोई प्रयोग किए नहीं। और आज अगर जैसे मैं IIT कानपुर, IIT मद्रास से पढ़ के निकलता हूँ और सभी यहाँ की रिसोर्सेज मैंने यूज़ किया, लेकिन कल मुझे कोई कंपनी जाती है हायरिंग करके ले जाती है, 1 करोड़ का पैकेज देती है, मैं चला जाता हूँ। तो इस तरह से कोई रोक टोक यहाँ है नहीं और ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो कहने की बात यहाँ पे ये है कि हमें कुछ ऐसे क्लॉज लगाने चाहिए थे जैसे दुनिया के सभी बड़ी बड़ी कंट्रीज में अपने अपने तरीके से है ऐसे क्लॉज कि आपको 3 साल यहाँ पे सर्व करना है, आपको 5 साल यहाँ पे सर्व करना है, देन यू आर फ्री टू गो। और फिर भी अगर मैं जाना चाहता हूँ, अब मैं जाना चाहूँ तो आप तो मुझे रोक सकते नहीं, ये तो मेरा अधिकार है, आप मुझे कैसे बांध के रखोगे। लेकिन कोई क्लॉज आपने नहीं लगाया मेरे ऊपर कि आप 3 साल यहाँ पे काम करो उसके पास जाओ, या फिर अगर फिर भी आपको तुरंत जाना है तो आप इतने बॉन्ड भरो, पैसे भरो, या आपको जो कंपनी हायर कर रही है 1 करोड़ के पैकेज में आप उनसे कहो कि वो स्पॉन्सरशिप लें और आपके एवज में वो बॉन्ड भरें और आपको उठा कर ले जाए। जब हम इस तरह के नियम लगाएंगे तो हम देखेंगे आज जैसे अगर बाहर की कंपनीज 10 में से 8 लोगों को ले जा रही है हायर करके, कल होके 10 में से केवल 2 लोगों को हायर करके ले जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फिर सही मायने में पता चल जाएगा कि हम मैं और आप जैसे लोग कितने इंडिस्पेंसिबल हैं, कितने इनवेंसिबल हैं। ऐसे तो हम IIT से निकलते हैं या बड़ी बड़ी IIM से पास आउट होकर निकलते हैं, हमें लगता है कि हम इनवेंसिबल हैं, हम डिफरेंट हैं दूसरे से, लेकिन जब हम इस तरह के नियम लगाएंगे तब सही मायने में हमें पता चलेगा कि हम वास्तव में कितने इंडिस्पेंसिबल हैं, कितने इनवेंसिबल हैं। जैसा मैं आज कह रहा हूँ कि आज वो 10 में से 8 या 9 को ले जा रहे हैं, वो एक्चुअली वो स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड को टैप कर रहे हैं, जो ब्रिटेन ने कहा है HPI, हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल। इसका पैमाना क्या होगा कि कौन हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल है? वो यही होगा कि दुनिया की जो टॉप IIV यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ से जो पास आउट होकर निकल रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि वो टैलेंटेड है, बाकी लोगों से ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है। इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी जा सकती है जिसमें HPI वीज़ा के अंतर्गत UK कंसिडर करेगा? वो हार्वर्ड हो सकता है, वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT हो सकता है, स्टैनफोर्ड हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हो सकता है, वो पेकिंग यूनिवर्सिटी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हो सकता है कनाडा में, वो नान्यांग हो सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर हो सकता है, इंडिया में कौन हो सकता है, IITs या IIMs। तो ये उनकी सोच सही है, लेकिन इस तरह के प्रयोग हमने कुछ किए नहीं आ सकते अपने लिए, और इससे बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के क्लॉज हमें भी लगाने चाहिए। आप अगर यहाँ के रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आपको तैयार जिसने किया है, आप थोड़ा सा भी अगर रिटर्न नहीं दे पाएंगे उसके तुरंत बाद, तो फिर ये कहीं ना कहीं इसका असर दिखेगा। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं बाहर मैं जाता हूँ काम करने तो पैसे तो मैं भेजता ही हूँ, देखिए ये वही बात है कि 90% आपके ब्रेन को टैप किया उन्होंने और 10% आपने पासिंग ऑन द बेनिफिट भेज दिया, पैसे आपने थोड़े से भेज दिए,
मैं वही कह रहा हूँ कि करेंसी कैपिटल से उस देश को आप नहीं, किसी देश को आप उतना नहीं आगे बढ़ा सकते जितना नॉलेज कैपिटल से बढ़ा सकते हैं। पश्चिम के देश इस बात को समझते थे, उन्होंने नॉलेज कैपिटल को अहमियत दी। तो वो आपका नॉलेज, वो कैपिटल वो टैप कर रहे हैं और करेंसी कैपिटल आप थोड़ा सा भेज रहे हैं। हालांकि उसकी भी इम्पोर्टेंस रही है। ऐसा नहीं है कि जो NRI कम्युनिटी इतना पैसा भेजती है इससे कुछ नहीं होता, इससे बहुत बड़ा फर्क होता है। 1998 में जब अमेरिका और कई देशों ने प्रतिबंध लगाए थे आर्थिक हमारे ऊपर, उस वक्त केवल NRI लोगों ने ही हमें बचा कर रखा, क्योंकि इन लोगों ने जितना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उससे हमारी अर्थव्यवस्था बची रही, नहीं तो पूरे तरीके से प्रतिबंध अलग अलग तरीके के लगे थे। तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये कोई ये डिबेट नहीं है कि बाहर जाना चाहिए या यहाँ रहना चाहिए। हर अब्दुल कलाम जैसे लोग बहुत थोड़े से होते हैं, इतने महान आत्मा, वो तो एक दिव्यात्मा थे। लेकिन अगर हमें एक जनरल सेंस में बात करनी है तो हमें कुछ ऐसे लॉस बनाने पड़ेंगे, ऐसे कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे जिससे हम पीछे न रह जाएं। आज जैसे हम थोड़े पीछे रह गए तो उस दिशा में एक प्रयास हम कर सकते हैं। जैसे UK आज कोशिश कर रही है HPI वीज़ा के नाम पे, उस तरीके से हमें भी ये करना चाहिए कि बाहर की जो टॉप जो ग्रीन ब्रेन्स हैं उन्हें हम भी टैप करें कुछ इस तरह के नियम कानून बना के, और हमारे जो लोग हैं उन्हें हम जाने से डिटर कर सकें, रोक सकें। उसके लिए प्रयोग करें कि या तो आप 2 साल 3 साल 5 साल यहाँ पर सर्व कीजिए, और नहीं आपको इतनी छटपटाहट है जाने की तो आप जाइए, लेकिन आप पैसे भर के जाइए, दिस इज़ फेयर। मेरे एक मित्र हैं, मुझे ये बात अच्छी लगी थी जब उन्होंने कहा था कि वो AFMC में पढ़ाई कर रहे थे, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में वो मेडिकल डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, और फाइनल ईयर में उन्हें लगा कि उनकी कॉलिंग जो पैशन है वो सिनेमा में है, और वो बचपन से ही सिनेमा में उनकी पैशन थी, मैं जानता हूँ। तो जब वो गए फिल्म मेकिंग की तरफ तो उन्हें बॉन्ड भरना पड़ा, क्योंकि कुछ क्लॉज हैं मुझे ऐसा पता चला AFMC में, एंड विच इज़ फेयर। तो मुझे लगता है कि ये हर इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, हर जो भी हमारे पास अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, IIMs हैं, मेडिकल में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, हर विषय में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो हमारे जो टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ये नियम लगाने चाहिए। अब यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, आपको कुछ 2-3 साल आपको कहीं कहीं डिप्लॉय किया जाएगा, आपको यहाँ देने पड़ेंगे, ओनली देन यू आर फिट टू। ये हर कंट्रीज में ऐसा कुछ नया हम जुल्म नहीं ढा रहे हैं ये करके। वहाँ बिल क्लिंटन को भी इसी से गुजरना पड़ता है। अगर आप बिल क्लिंटन के भी जो प्रेसिडेंट रहे थे वहाँ पे, उनके भी आप हिस्ट्री को देखें, ROTC जो जो केस हुआ था उनका, और मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसको लेकिन मतभेद भी है कि वियतनाम वॉर में हर को जाना है, और इसमें कई तरीके के मतभेद है। लेकिन हम तो वियतनाम वॉर ये सब करते नहीं है ना, पूरी दुनिया में बम्बारी हम कर नहीं रहे। तो मिलिटरी में आपको सर्व करना है, आपको आर्मी में सर्व करना है, ये तो हमने क्लॉज लगाया नहीं। कम से कम इतना तो हम जरूर कर सकते हैं कि हम 2-3 साल अपने क्षेत्र में जो हमने पढ़ाई की, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, हम 2-3 साल अपने समाज के लिए क्यों नहीं लगा सकते। और फिर भी हमें जाना है तो जो कंपनी हमें हायर कर रही है वो पैसे दे हमारे हमारे भी हाफ में, इसमें क्या प्रॉब्लम है। या फिर मैं पैसे दूं और मैं जाऊं अगर मुझे जाना है, क्योंकि अगर मैं जाना चाहता हूं तो आप मुझे नहीं दे सकते, और रुकना ठीक भी नहीं है। लेकिन जब मैं पैसा दूंगा तो ये डिटर एक डिटरेंट के रूप में काम करेगा। तो आज जिस बड़े पैमाने में ब्रेन ड्रेन है वो कम होगा, और ये एक तरीका है जो शायद अगले इसका असर अगर हम आज ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो अगले 30-40 साल में इसका असर जरूर हमें दिखेगा।